अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जनाब ये हैं आखिरी आरामगाह शहंशाह गज़ल जनाब मेहंदी हसन साहब, पाकिस्तान का जो सरमाया कहलाया करते थे, उनकी ये आखिरी आरामगाह है जो कि कचरे के ढेर के अंदर बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ क्या हाल है। ये प्लॉट है और ये मैं आपको जो बाउंड्री वॉल हुई हुई है चारों तरफ से इनकी कब्र, और ये चारों तरफ कचरा ही कचरा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। ये हुकूमत पाकिस्तान के मुंह पे एक बहुत ज़ोरदार थप्पड़ है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये आप देख सकते हैं सिर्फ कचरे का ढेर है और कुछ नहीं है। जिनको दुनिया बहुत अच्छे अल्फाज में याद करती है उनका ये हाल है कि उनका ये मकबरा बनाया हुआ है, और ये कितनी खस्ता हाल खबर है, चारों तरफ कचरे का ढेर है। ये देख सकते हैं आप बड़े खान साहब मेहंदी हसन साहब शहंशाह गज़ल, तारीख़ पैदाइश 28 जुलाई 1933, तारीख वफ़ात 22 रजब 1433 हिजरी बा मुताबिक 13 जून 2012 बरोज़ बुध कराची। ये देखिए जी ये इनका मकबरा मज़ार बनाया हुआ है, इसकी हालत देखें आप, ये कभी भी गिर सकती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से इन्होंने बस वो कोने जो हैं जोड़ के, आप देख सकते हैं क्या हाल है। ये हमारी हुकूमत के मुंह पे बहुत जोरदार थप्पड़ है। बनाया मेरा मजार तो मीनार खा गए। ये देखिए जिनके घरों में हजारों रंग के फानूस थे, जाड़ है उनकी कब्रों पे और निशान कुछ भी नहीं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले शख्स का यह हाल है। शायद के किसी को शर्म आ जाए। फातिहा पढ़ लीजिए। सूरह फातिहा एक अदद मेहंदी हसन साहब के। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।